इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। बनारस निवासी प्रकाश सिंह रघुवंशी के ऊपर ये पंक्तियां मुफीद बैठती हैं। प्रकाश सिंह रघुवंशी कुदरत कृषि शोध संस्था संचालित करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जूझने के लिए, संघर्ष करने के लिए प्रकाश सिंह रघुवंशी ने एक बड़ा ही लोकप्रिय नारा तैयार किया है। वो नारा है, अपनी खेती अपना खाद, अपनी बीज अपना स्वाद। किसानों के बीच में जिस तरीके से फर्टिलाइजर केमिकल के साथ साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने घुसपैठ की है, उससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की ज़मीनों की उर्वरा शक्ति प्रभावित हुई है। साथ ही साथ देश का नागरिक बीमारियों से भी जूझने लगा है। इन सारी चीज़ों से बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता है, देसी खाद, देसी बीज, देसी खेती। यदि किसानों ने प्रकाश सिंह रघुवंशी की बातें सुनकर उनका मनन किया तो निश्चित तौर पर हम उस पुराने गाने को सिर्फ गाएंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे और उसको सत्यापित भी करेंगे। वह गाना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। प्रकाश सिंह की आंखों में वह जज्बा दिखाई देता है कि वह इस देश की धरती से सोना और हीरे मोती उगाने की हैसियत रखते हैं। इसलिए उन्हें 3 अलग अलग राष्ट्रपतियों ने पुरस्कृत किया। पहली बार उन्हें प्रतिभा पाटिल ने पुरस्कृत किया, दूसरी बार उन्हें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने पुरस्कृत किया और तीसरी बार न सिर्फ रामनाथ कोविंद ने उन्हें पुरस्कृत किया बल्कि प्रकाश सिंह रघुवंशी 5 दिन तक राष्ट्रपति भवन में बतौर अतिथि निवास भी किए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने संघर्ष में किसानों को क्या कुछ देने की कोशिश नहीं की है। आइए हम आपको मिलाते हैं विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में प्रकाश सिंह रघुवंशी से, जिन्होंने किसानों के लिए न सिर्फ संघर्ष किया है बल्कि किसानों को किसानी करने का एक नया तरीका भी सिखाया है। वे खाद, बीज और अपना स्वाद, अपनी खेती, इन तमाम तौर तरीकों पर संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी किसानों को यह समझाइश दे रहे हैं कि यदि आपने देसी तरीका, जैविक तरीका खेती का अपनाया तो हमारे देश की धरती सोना और हीरा मोती उगलने लगेगी। आज हमारे बीच कृषि क्षेत्र के ऋषि प्रकाश सिंह रघुवंशी जी मौजूद हैं और आज हम इनसे बातचीत करेंगे कृषि के क्षेत्र पे। तो प्रकाश सिंह जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और ये विशाल खबर के लिए सौभाग्य का विषय है कि आप जैसा व्यक्ति, आप जैसा ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो देश के किसानों की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए अपना सुख और सुकून छोड़कर गांव-गांव, शहर-शहर, पगडंडियों में, खेतों में, खलिहानों में जाकर उन्हें जागृत कर रहे हैं, तो ये सही मायनों में इससे ज़्यादा पुण्य और पुण्य प्रभाव का कोई कार्य हो नहीं सकता। तो ये हमारे लिए निश्चित तौर पर सौभाग्य का विषय है। हम आपसे कुछ सवाल करेंगे और कृषि क्षेत्र में क्या बदलाव हो सकते हैं, कृषि इस देश का किसान क्या बदलाव करके अपनी ज़िंदगी में क्या तरक्की और क्या उन्नति कर सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो रघुवंशी जी, भारत एक कृषि प्रधान देश कहा गया और भारत जिस तरीके से कृषि प्रधान देश है, जिस हिसाब से यहाँ के किसानों की और किस कृषि की दुर्गति है, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये जिम्मेदार तो कहिए तो किसान ही है जी। हमारे पूर्वज परंपरागत कृषि करते थे जी, खेती बाड़ी जी शब्द था गांव-गांव में जी। तो किसान फसल भी उगाते थे, गेहूँ, चावल, धान, सब्जी और ये सब मोटे मेन अनाज, उसके साथ साथ फल फूल के भी पौधे लगाते थे। उनको लकड़ी मिलती थी, बांस मिलता था, फल मिलता था। तो अगर मान लीजिए कि हमारा बाग बगीचा खराब हो गया तो अनाज से मिल गया, अनाज में कोई वैरायटी खराब हो गई तो उसे तो मिला जुला करके
जैसे 10 एकड़ जमीन है तो 10 एकड़ में आधे में अनाज उगाते थे, आधे में जो है कई प्रकार का उगाते थे, फल और सब्जी उगा करके अपना। जी, जी, जी। तो लेकिन जब नई क्रांति का हुआ है, हमारे देश में कुछ अनाज की कमी थी, नए विज्ञान आए, तो जय जवान जय किसान का नारा जो है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, तो वहाँ तक तो ठीक था, लोग अपनाए, बाहर से बीज आए, विज्ञान आया, हमारे देश में कृषि वैज्ञानिक पढ़ लिख करके आगे आए, यूनिवर्सिटियाँ खुली, जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, BHU वाराणसी, और आपके जो है पंतनगर कृषि यूनिवर्सिटी, ऐसे ऐसे पूसा, तो वो लोग किसानों को बताए कि आप लोग इस तरह से नए बीज का प्रयोग कीजिए और इस तरह से फर्टिलाइजर खाद डालिए, तो किसानों ने डाला और इसके बाद उत्पादन अच्छी आई। लेकिन किसानों के अंदर ये आया व्यक्तिगत कि जो वैज्ञानिक कर रहे हैं इतना डालने के लिए कहे तो मैं इतना डालूंगा तो और अच्छा होगा, तो वैज्ञानिकों की चोरी चोरी से वो ज़्यादा ज़्यादा फर्टिलाइजर का प्रयोग करने लगे और गोबर की खाद कम डालना शुरू किए, पशुपालन कम शुरू किए, उसी का नतीजा है कि हमारे मिट्टी के जीवांश जो थे, पोषक तत्व देने वाले बैक्टीरिया जो थे, वो निर्जीव हो गए और कम हो गए, जिसके कारण डाई पर डाई, यूरिया पर यूरिया, कीटनाशक का प्रयोग अंधाधुंध बढ़ाते गए, किसान उत्पादन घटता गया, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी घट गई और पर्यावरण भी खराब हो गया, उसके जिम्मेदार किसान है। लेकिन आज किसान ही फिर से परिवर्तन लाने के लिए संकल्प ले लिया है, पूरे भारत देश के किसानों में एक नई जागृति जागी है कि हम फिर से जो है प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती करेंगे और उन्नत किस्म के हमारे भारत सरकार के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जो वैरायटी बनाई गई हम उसका उपयोग करेंगे, फिर से जो है मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती को फिर से जो है प्रकट करने के प्रयास में हमारे किसान लग गए। आपकी एक संस्था है कुदरत कृषि शोध संस्था, और उसका एक नारा है अपनी खेती अपना खाद, अपनी बीज अपना स्वाद। आपका ये जो नारा है जी, उससे भारत का किसान काफी दूर जा चुका है, न उसके पास अपनी खाद है जी, न उसके पास अपना बीज है जी, न उसके पास अब अपना कोई स्वाद बचा जी। तो कहने का अभिप्राय है सब कुछ जो जो चीज आप इस देश के किसानों को देना चाहते हैं जी, उन सारी चीजों से किसान इस देश का दूर है जी। क्या लगता है कैसे आएगा? नहीं, अब आ रहे हैं ना, अब आ रहे हैं, किसान जो है प्राकृतिक खेती कर रहा है, देसी बीज को अपना रहा है, सिलेक्शन पद्धति से नए नए किस्म के बीजों को बना रहा है। हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों ने अच्छी से अच्छे बीज का विकसित कर दिया, लेकिन उसको किसान ने छोड़ दिया था, लेकिन आज हमारे देश के किसान फिर उन्हीं यूनिवर्सिटियों के, हमारे कृषि वैज्ञानिकों के सलाह पर चल करके उन्हीं बीजों का प्रयोग कर रहे हैं और गाय पालन कर रहे हैं, खेत में ढैंचा मूंग बो रहे हैं, फसल चक्र अपना रहे हैं, फिर से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है, फिर से जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है, पर्यावरण शुद्ध हो रहा है, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है और पोषक तत्वों से भरपूर जो है खाद्य पदार्थ का उत्पादन किसान कर रहे हैं, प्रयास शुरू हो गया है, 2-4 साल 5 साल के अंदर फिर से जो है परिवर्तन आ जाएगा। आप जिस तरीके से अपनी खेती अपना खाद अपनी बीज अपना स्वाद, ये जो आपका नारा है जी, ये नारा किसान क्यों अपनाए? इसको अपनाने से किसान का क्या फ़ायदा है? किसान का फायदा है और देशवासियों का फायदा है, पूरे सृष्टि पर जितने जीव प्राणी हैं सबका फायदा है। जैसा अन्न वैसा मन, अन्न का गहरा प्रभाव मन पर और स्वास्थ्य पर है। आज वर्तमान समय में जो जितने भी प्रकार के प्राण घातक बीमारियाँ फैली हुई हैं वो हाइब्रिड बीज, रासायनिक खाद, जहरीले कीटनाशक के प्रयोग से ही नाना प्रकार के बीमारियां फैलती चली जा रही हैं। और जब हम ऑर्गेनिक और जैविक खेती से जो खाद्य पदार्थ उगाएंगे उसको खाएंगे तो स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा, प्राणघाती तक बीमारियों से हमें वो निजात मिलेगा और हमें स्वाद मिलेगा, पोषक तत्व मिलेगा, इसलिए किसान जो है इसको अपना रहे। भारत देश में आए दिन एक अखबारों के मुख्य पृष्ठों पर एक सुर्खियां होती थी जी, कि भारत का जो किसान है उसने आत्महत्या कर ली जी, वो कर्ज से दब गया जी, वो हैरान था जी, वो परेशान था जी। तो आखिरकार आप किस किसानों के लिए काम कर रहे हैं जी, तो आप क्या लगता है कि किसानों की तरक्की इस देश में कैसे संभव है? अच्छा, आप पढ़ते रहे होंगे आज के 7 साल पहले कि महाराष्ट्र में आए दिन डेली आत्महत्या होती थी, लेकिन हम 1992 से लेकर के 2023 आ गया है जी,
इतने दिन में कम से कम हम हजारों हजार कार्यक्रम महाराष्ट्र में किए, आपके मध्य प्रदेश में किए और कई प्रांतों में किए, गांव में प्रवास किए। मैंने देखा कि 25,000 50,000 1,00,000 रुपए के कर्ज में आकर के किसान खेत का फसल चौपट हो गया तो किसान आत्महत्या कर लेता था, इसलिए किसान स्वाभिमानी होता है। लेकिन आज आप महाराष्ट्र में चले जाइए, आत्महत्या की दर बहुत घट गई है। उसका कारण क्या? किसान वहाँ के जागे हैं और मेरा प्रयास भी सफल सिद्ध हुआ है और हमारे पास सारे रिकॉर्ड भी हैं। जब जब मैं वहाँ कार्यक्रम किया हूँ या जिस जिस गाँव में कार्यक्रम किया हूँ, किसान अपनी खेती, अपनी खाद, अपना बीज, अपना स्वाद अपना रहा है। किसान जो है जैविक खेती कर रहा है, उन्नत किस्म के बीज का बीज बैंक बनाया है, तो हम बीज हमारे घर का होगा तो बीज लागत पूंजी घट गई, फिर इसके बाद खाद अपना बना तो लागत पूंजी घट गई, फिर उससे उसका जो उत्पादन हो रहा है वो महंगा बिक रहा है, इसलिए किसान आत्महत्या धीरे धीरे ये सब सबको खत्म हो जाएगा देश से। देश में एक और डाटा आया कि देश में 2 से 5 एकड़ वाले किसान ज़्यादा थे जी, और वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। उनकी जमीनें किसी न किसी का कोई बीमारी हो गई, कहीं शादी विवाह हुआ, अब उनके पास और तो कुछ होता नहीं, तो वो 2 एकड़ या 5 एकड़ वाला जो, तो 2 एकड़ 5 एकड़ वाला किसान है शून्य पे अब जा रहा है। तो वो 2 एकड़ 5 एकड़ वाला किसान इस देश में कैसे सर्वाइव करे, कैसे उन्नति करे, उसके लिए कोई आपके पास कार्य योजना? बहुत बढ़िया तरीका है मेरे पास जी। कई हजार किसान हमारे विचार से लाभ उठा रहे हैं। जैसे अनाज हम बेचेंगे, गेहूं बेचेंगे तो 2,200 रुपये क्विंटल बिकेगा, धान बेचेंगे, चावल बेचेंगे, जो भी बेचेंगे, अगर उसी को हम ऑर्गेनिक बना करके बेचते हैं जी, प्रमाणित करके जी, तो हमारा वही गेहूं चावल 60 रुपये 70 रुपये किलो बाज़ार में 50 रुपये किलो बिक रहा है, खाने वाले खा रहे हैं। इसलिए कि जहां 1,00,000-10,00,000 रुपए बीमारी में लोग खर्चा कर रहे हैं, वहां 50 रुपये किलो का आटा खाने के लिए मानव प्राणी तैयार हैं। तो हम किसानों से कहते हैं कि आप शहरवासियों से संपर्क करिए, अधिकारियों से संपर्क करिए, और अधिकारी भी स्वास्थ्य लाभ के लिए गांव में जाएं, किसानों को गोद ले लें या किसानों से अपना कॉन्टेक्ट कर लें। किसान ऑर्गेनिक बीज अरे खाद पदार्थ बना करके अधिकारियों को देगा, शहरवासियों को देगा, तो उनको शुद्ध जैविक खाद्य पदार्थ महंगा बिकेगा तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। और किसान अगर बीज बनाता है तो बीज बाज़ार में 50-60 रुपये किलो गेहूँ का, धान का 100 रुपये किलो बिक रहा है, तो किसान का फसल जब अच्छा होगा, उन्नत किस्म का बीज होगा, तो किसान से बीज खरीदेगा, फिर किसान का पैसा किसान के हाथ, गांव का पैसा गांव में, और राष्ट्र का विकास अपने आप होगा। आप बनारस के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी मशहूर कहावत हुआ करती थी, हालांकि आज इस कहावत को बहुत कम लोग सुनते हैं जी, लेकिन आज के 20-25 साल पहले के जो बुज़ुर्ग होते थे तो वो ये कहावत कहा करते थे कि उत्तम खेती मध्यम बाल और निखित चाकरी भीख निदान। तो पहले यह कहावत थी कि उत्तम खेती होती थी और नौकरी सबसे निकृष्ट मानी जाती थी। तो चीजें चेंज हो गई, अब उत्तम नौकरी हो गई और खेती निकृष्ट हो गई। आज की तारीख में कोई खेती नहीं करना चाहता, मैंने जिसके पास 50 एकड़ भी है, जिसके पास 100 एकड़ भी है, उनके लड़के भी जो हैं वो जा करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहे हैं कहीं, माने उनको भी माने 50 एकड़ 100 एकड़ की खेती वाला व्यक्ति भी खेती के प्रति उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं होगा ऐसा है कि नौकरी में सब 50,000-00,000 वाला तनख्वाह वाले नहीं है, 10-20,000 तनख्वाह पाने वाले भी हैं। अगर किसान 5 एकड़ का भी है, अगर वो ऑर्गेनिक खेती कर रहा है जी और बीज का उत्पादन कर रहा है जी, तो वो भी घर बैठे आराम से 1 एकड़ में फसल चक्र अपना करके, धान का, गेहूं का, सब्जियों का, मूंग का फसल चक्र अपना के अलग अलग तरह का बीज बनावे, तो 1 एकड़ से 2-3 लाख रुपए का बीज उत्पादन कर सकता है। 5 एकड़ है तो 10-15 लाख रुपए आराम से 5 एकड़ से कमा सकता है, और किसान शुरू कर दिए हैं तो उत्तम किसान को अन्नदाता कहा जाता है, दाता कहा जाता है जी। तो किसान भी का स्वाभिमान कम नहीं है, वो देने वाला है किसान, और किसान जब अच्छी चीज़ देगा तो सभी वर्ग के लोग, चाहे व्यापारी हों चाहे नौकरी अधिकारी हों, वो सब आएंगे, सम्मान भी देंगे और लाभ भी देंगे किसान। अभी आपने एक शब्द कहा, हम अभी कह रहे थे उन्नत खेत, उत्तम खेती। दूसरा शब्द अभी आपने कहा कि अन्नदाता। जो अन्नदाता था, जो दूसरों को अन्न देता था, जो दान करने वाला व्यक्ति था, वो आज माने सरकारों की सहायता पे निर्भर है। कहीं मोदी जी सहायता दे रहे हैं तो कहीं राज्य सरकार सहायता दे रही है, कहीं किसानों को बिजली का कर्जा माफ़ किया जा रहा है तो कहीं कोई कर्जा, माने किसान वाकई में इस अवस्था को प्राप्त है या
किसान का वोट लेने के लिए इस तरीके की माने साजिशें की जाती हैं? नहीं, सब देखिए समय के अनुसार परिवर्तन आता रहता है जी। और हमारे मोदी जी जी चाह रहे हैं कि किसान की आमदनी दुगनी हो जी। तो मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी की बात को मान करके जी जितने प्लान बनाए हैं भारत सरकार उसको किसान अपना ले जी तो दो गुना नहीं, मैं दावा करता हूँ कि चार गुना ज़्यादा लाभ किसान को मिलेगा। और मोदी जी के मन की बात को सुनते सुनते मेरे मन में, जबकि मेरा आँख खराब है, बुढ़ापा आ गया है, स्वास्थ्य नहीं ठीक है, इसके बावजूद भी मैं मोदी जी के मन के बात को सुनते सुनते मेरे अंदर इतनी ऊर्जा जागी है कि देश के लिए मोदी जी इतना बड़ा सपना देख रहे हैं और प्लान बना रहे हैं विकास के लिए, तो मैं भी इस देश का एक किसान हूँ, एक सिपाही हूँ, मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। आप समझ लीजिए मैं 40,000 अरहर का धान के और कुछ सब्जी के बीजों का, उन्नत किस्म के बीजों का पैकेट बनाया हूँ, 100 बीज 200 बीज 50 बीज 40 बीज यथाशक्ति, और घूम घूम करके फ्री सैंपल बांट रहा हूँ चलते रास्ते, और किसानों को बता रहा हूँ कि किसान भाइयों जागो और जगाओ, खुद खाद बीज बनाना सीखो और सिखाओ, आपस में क्रय विक्रय करके स्वरोजगार पाओ, आप आत्मनिर्भर बनेंगे, आप जो है खुशहाल होंगे, तो आपको देख करके आपका पड़ोसी भी जो है आपके रास्ते पर चलेगा, इस तरह से जो है किसान स्वावलंबी होंगे, आत्मनिर्भर होंगे। और हमारे देश में गरीबी का जो अभिशाप है, किसान जो परेशान है बैंक से ऋण लेने के लिए, महाजन से ऋण लेने के लिए, तो किसान हाथ नहीं फैलाएगा हाथ, बल्कि उठा करके देने वाला जो दाता होता है वो फिर से हो जाएगा। आपने ये जो बीज बनाने की प्रक्रिया हुई जी, ये आपने कब से शुरू किया, मैंने आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपने बीज बनाना शुरू किया, फिर बीज बनाने के बाद लोगों को निःशुल्क बांटना शुरू किया, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ऐसा था कि बचपन में हम 15-16 साल के थे जी, तभी आँख में रिएक्शन हो गया पेंसिलिन से जी, तो मेरा 2 साल आँखें ही नहीं खुला, धूप में मैं नहीं निकल पाता था जी। और हमारे पिताजी उन्नत प्रगतिशील किसान थे और प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे, अच्छी खेती करते थे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में जब शुरू शुरू में नए किस्म के बीज निकले थे, RR21 1553 कल्याण सोना, ये सब गेहूँ, जो 1964 में नरमा रोजो गेहूँ आया था, तो पिताजी जो है वो नरमा रोजो को भी लगाए थे, तो उनके उन्नत किस्म के खेती को देख देख करके मेरे अंदर भी, हम लोग बचपन में पिताजी के साथ रहते थे तो कुछ जानकारी थी। जब आँख खराब हो गया मैं किसी काम का नहीं रहा, लेकिन मेरे अंदर भी कुछ जागता था कि मैं भी कुछ करूं। तो फिर पिताजी के साथ खेतीबाड़ी करने लगे और हमारे अंदर जो है कुछ जागना शुरू हुआ। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों से मैं अनुभव लिया, एक डॉक्टर UP सिंह हैं, अभी हैं दलहनी पर, दलहन के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, उनसे तकनीकी पूछा, कुछ दूरदर्शन आकाशवाणी कुछ कृषि मेला में किसानों जा जा करके मैं कुछ बूढ़े बुजुर्गों से पूर्वजों से ज्ञान सीखा। फिर मैं सिलेक्शन पद्धति में आया, भगवान की कृपा से अच्छे किस्म हमको हमारे हाथ लगी, जैसे गेहूँ Kudrat 9 Kudrat 17 Kudrat 7 धान में Kudrat 1 Kudrat 5 और जो है अरहर Kudrat 3, इन सब बीजों का सिलेक्शन किया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी जो है हमारे बारे में जाने, वो अहमदाबाद से टीम आई, हमसे बातचीत की, फिर हमारे बीजों को ले गए, वो कई यूनिवर्सिटियों में ट्रायल करवाए, रिजल्ट बहुत अच्छा आया। आपके जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में हमारे गेहूँ की 4-5 वैरायटियों का ट्रायल चला, यूनिवर्सिटी की वैरायटी से भी हमारे का रिस्पॉन्स ज़्यादा आया उत्पादन, गेहूँ Kudrat 9 का उत्पादन जबलपुर यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा आया। तो इस तरह से 2007 में हमको कलाम साहब से NIF ने 2007 में 10,000 रुपये का सांत्वना पुरस्कार दिलाया, सम्मान दिलाया, तो मेरे मन में यह आया कि मैं एक छोटा सा किसान गांव का और हमें कलाम साहब सम्मानित कर रहे हैं जी। तो कलाम साहब से 2-3 बार हमारी मुलाकात हुई। ये 7 फीट की लौकी जो देख रहे हैं, ये एक डॉक्टर SP सिंह है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के, उनकी बनाई हुई प्रजाति है नरेंद्र शिवानी, फिर इसका मैं बीज बनाया, फ्री में बांटा, ये लौकी कलाम साहब को भी दिखाया। तो मेरे अंदर कहने का मतलब साहस ऊर्जा जागती गई बड़े लोगों से मिल करके। फिर 2009 में 1,00,000 रुपये का प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिभा पाटिल जी से मिला, NIF ने दिलाया। फिर इसके बाद जो है हमारे बीजों को कई यूनिवर्सिटियों में ट्रायल NIF करवाया, काफ़ी उनका खर्चा हुआ और हमको लाभ मिला। फिर 2018 में
मैं 5 दिन राष्ट्रपति भवन में कुबी जी हमको अतिथि बनाकर रखे थे, वहाँ तमाम वैज्ञानिकों से और बड़े लोग अधिकारियों से सम्मान मिला, वो हुआ। 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट 7.5 लाख रुपए का कोविड के हाथ मिला। और मैं 2019 में IAS एकेडमी गया देहरादून मंसूरी, वहाँ 180-185 जो नए कलेक्टर निकल रहे थे 2018 बैच के कलेक्टरों को भी 3 दिन का ट्रेनिंग दिया, कृषि के बारे में जानकारी दिया। तो हमें जब सम्मान मिलने लगा, मान मिलने लगा, बड़ा बड़ा मंच मिलने लगा, तो मेरे अंदर भी बड़ा भाव आया। फिर भी मेरे पास जितने वैरायटी निकलते गए अच्छे अच्छे, मैं सोचा मुझको खुशी मिल रही, लाभ मिल रहा है, तो देश के एक एक किसान तक यह पहुंचना चाहिए। तो मैं घूम घूम करके पूरे 15-16 प्रांतों में कम से कम 10-15 लाख किसानों को अब तक मैं 25 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम का पैकेट फ्री में बांटा और बताया कि आप इसको ऐसे लगाइए, अगर आपकी जलवायु भूमि में अच्छा हो रहा है तो आप भी इसका प्रयोग करिए और 10 किसान को आप भी फ्री में बांटिए, ताकि घर घर जो है देसी बीज का भंडार हो जाए। आप लोग पुरानी से पुरानी प्रजातियों का बीजों का संरक्षण संवर्धन करिए, यही मेरा एक प्रयास और संकल्प है। आप एक किसान होकर के अगर आप इतनी ऊंचाई छू सकते हैं, इतने पुरस्कार पा सकते हैं, IAS को ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो निश्चित तौर पे अगर आप की चीज़ों का अनुसरण इस देश का किसान कर ले तो मुझे लगता है कि हर किसान जो है आपकी तरह कृषि का ऋषि बन सकता है। हाँ, तो किसान अब शुरू कर दिए हैं, थोड़ा सा मेरा आर्थिक स्थिति इस समय खराब हो गया है, कारण ये कि 2 साल से आँख में बहुत तकलीफ है, कम दिखाई दे रहा है, तो जाना आना कम है, लेकिन मैं डाक द्वारा कोरियर द्वारा 25-50 पैकेट 100 पैकेट बीज फ्री सैंपल अपने पहचान परिचय वालों को, चाहे गुजरात में, चाहे राजस्थान, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे महाराष्ट्र में भेज रहा हूँ, और वो लोग फ्री में बीज बांटेंगे। और किसानों का जब फसल तैयारी पर आएगा तो मैं जाऊंगा विजिट करने के लिए, जब वो अंतर परिवर्तन देखेंगे महंगे बीजों का और ये देसी बीज का, तो उनके अंदर अपने आप परिवर्तन आएगा। जो अच्छा, किसान खाद बीज कैसे बना सकता है? देखिए, खाद जैविक क्या है, हम खेत में हमारे पूर्वज, जैसे बचपन की बात बता रहा हूँ, किसान डांड़ के किनारे किनारे का, मेड़ के किनारे किनारे का मिट्टी उठा करके बीज खेत में फेंकता था, तो जो बैक्टीरिया होते थे ना, वो डांड़ के किनारे मेड़ के किनारे होते थे, वो बैक्टीरिया और जीवाण जो है अंदर चले जाते थे और खेत समतल हो जाता था। फिर 1-2 साल के बाद बीच वाली मिट्टी को निकाल करके चारों तरफ फेंकते थे, पुराने घर पुराने खंडहर जो नोना वोना होता था उसको ले जा करके खेत में छिड़कते थे, तालाब की मिट्टियों को ले जा करके हम लोग सर पर उठा करके खेतों में फेंकते थे, तो उससे जो है हमारे प्राकृतिक केचुआ जो थे, उनका केचुआ काम यही है कि मिट्टी खाना, मिट्टी निकालना, करीब 1-2 फीट 4 फीट नीचे तक की मिट्टी को वो पोपली किए रहते थे, जब बरसात होती थी तो पानी को धारण जल को कर लेता था, बैल की जुताई थी। और अब आ गई ट्रैक्टर की जुताई, 30-35 क्विंटल का ट्रैक्टर, जुताई तो 3 इंच का किया लेकिन उसके नीचे की मिट्टी सख्त हो गया, कड़ा हो गया, पानी का धारण मिट्टी न करके पानी बहता चला गया जो है, और मिट्टी बरसात में जिस खेत का बह गया पानी, समझ लीजिए कि उर्वरा शक्ति 2 इंच का ही होता है, वो बह जाता है। हमारे पूर्वजों का कहावत है कि मल की शुद्धि मिट्टी से, मिट्टी की शुद्धि जल से, जल की शुद्धि पवन से, पवन की शुद्धि हवन से। पहले जो है सत्यनारायण भगवान का कथा होता था या घर घर हवन होता था, उसे वनस्पतियों का, गाय के उपले का, आम की लकड़ी का, देसी घी का, जो कुछ भी हवन होता था उसे जहाँ तक सुगंध और धुआं जाता था पर्यावरण शुद्ध होता था, और जब पर्यावरण शुद्ध होता था तो प्रकृति नियम से काम करती थी और संतुलन था। लेकिन ये हवन भी बंद हो गया और आपका जो है गाय की कम हो गई, गाय का गोबर का प्रचलन कम हो गया, इससे जो है विकृतियाँ आ गई हैं। लेकिन हमारी संस्कृति अभी कायम है, जो हमारी सनातन संस्कृति को ले करके फिर से युवा पीढ़ी आगे आएंगे तो हवन भी करेंगे और पूर्वजों की परंपरा को ले करके चलेंगे, तो कोई दूर नहीं है वह समय कि फिर से जो है हमारा कि मेरी मिट्टी सोना उगले, उगले हीरे मोती वाली स्थिति, ये हो जाएगा। और किसानों को मैं बताना चाहता हूँ कि 2 इंच की जो मिट्टी होती है वो बीज को अंकुरित करने का ही उसका रोल है, और 2-4 इंच की जो मिट्टी होती है वो पौधे को खुराक देता है,
और 4 से 6 इंच के नीचे की मिट्टी जो होती है वो नमी धारण किए रहती है, वो पौधे को नमी देती है, जिंदा रखती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि साल में 2 साल में एक बार कम से कम प्लाउ खेत का करना चाहिए, कम से कम 1 फीट 8 इंच गहरी जुताई करना चाहिए। और दलहनी तिलहनी सब्जी और चावल और गेहूं और कुल मिला जुला करके फसल चक्र अपना करके खेती करेंगे तो उनको लाभ होगा। तो प्रकाश सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आए और किसानों के उत्थान के और संवर्धन के लिए आपने हमसे बातचीत की। जी जी बहुत बहुत जी जी प्रणाम।